सर्वसामान्य कामगार आणि शेतकरी यांच्या मूलभूत हक्कांवर आयटक करतात ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेस गेल्या 10 दशकांपासून लढत आहे, त्यामुळे देशाच्या स्वातंत्र्य व कामगार चळवळीत आयटक नेहमीच महत्वाची भूमिका बजावत आहे. अशा आयटकचे 18वे अधिवेशन कृष्णा लॉन्स इथे आयोजित करण्यात आले होते. अधिवेशनाच्या सांगतेला राज्यातीलच नव्हे तर देशाच्या कानाकोपऱ्यातून कामगार संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थिती लावत संविधान जागर रॅलीत सहभाग नोंदवला. दिल्लीच्या राष्ट्रीय महासचिव कॉम्रेड अमरजीत कौर यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या या रॅलीत सभेचे अध्यक्ष राज्याचे सचिव राजू देसले यांच्यासह अनेक पदाधिकारी सहभागी झाले होते. द्वारकापासून निघालेल्या रॅलीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले. कामगार शेतकरी एकजुटीचा विजय असो असा नारा देत रॅली पुढे मार्गस्थ झाली. यानंतर रॅलीतील कामगार शेतकरी अंगणवाडी कर्मचारी गतप्रवर्तक कर्मचारी ग्राम रोजगार सेवक दरम्यान आयटकच्या शताब्दीकडे वाटचाल करताना राज्यातील आयटकच्या 70 कामगारांचा गौरव या अधिवेशनात करण्यात आला. मनरेगा कर्मचारी पेन्शनधारक आदींसह आयटकचे पदाधिकारी आणि सभासद यांना राष्ट्रीय महासचिव अमरजीत कौर यांच्या सभेच्या माध्यमातून संबोधित केले. की सरकार केवळ मजदूर किसान आम जनमानस पे हमला नाही बोल रही है, हमारे देश के संविधान पे भी हमला बोल रही है. ये लोग जितने हमारे जनवादी संगठन हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं इस देश में एस्टेब्लिश हुए 70 बरस में, उन सबको तोड़ डाल रही है. कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करने चाहती है. ये लोगों पे डिक्टेट करना चाहती है, तुम क्या खाओ क्या नहीं खाओ, तुम क्या पियो कैसे पहनो, कौन सा नाटक देखो, कौन सी पिक्चर देखो, कौन सी शूटिंग करो, कौन सी नहीं होने देंगे. ये जो सारा रवैया है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशन है. कॉन्स्टिट्यूशन इजाज़त देता है बिलीव करने की, कोई सी भी धर्म को मानने की, साथ में इजाज़त देता है. जो नहीं बिलीव करता है नास्तिक का है, तो तुम भी नास्तिक रह सकते हो. लेकिन संविधान ये कहता है कि तुम किसी भी दूसरे धर्म के खिलाफ नफरत नहीं फैलाओगे. संविधान ये भी कहता है कि जो भी सरकार में बैठेगा ए बी सी डी लेफ्ट राइट सेंटर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, तुम्हें किसी धर्म में मेडल नहीं होना. धर्म लोगों का निजी मामला है. सत्ता ने ये कोशिश करना है कि लोगों में नफरत नहीं फैले, आपस में प्रेम जुट से रहे. लेकिन ये सरकार उस संविधान की सारी मूल धारा पे हमला बोल रही है, हमारे सामाजिक सुरक्षा तोड़ रही है, हमारे श्रम कानून तोड़ रही है. तो इनके इन सारी चीज़ों को देखते हुए ही आज की इस पब्लिक मीटिंग का ये उद्देश्य रखा संविधान जागर सभा. हम अपने देश के संविधान के साथ खड़े हैं. हमारा आईटक का संविधान देश के संविधान के साथ है. और हम ये समझते हैं कि देश के अंदर ये सरकार जो दिल्ली में बैठी है, ये जो महाराष्ट्र में जिन पार्टी की सरकार बैठी है, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गए हैं. हम इस देश के मजदूरों को इकट्ठा कर रहे हैं इस खतरे से निपटने के लिए. तर आईटकचे राज्य सचिव राजू देसले यांनी 2 दिवसीय अधिवेशनाचा घटनाक्रम विशद केला. श्रीकृष्ण लॉन्स येथे झालेल्या या संविधान जागर सभेला विचार मंचावर व्ही कदम, कृष्णा भोयर, कुमार दामले, श्याम काळे, सी एन देशमुख, मोहन शर्मा, तानाजी ठोंबरे, नामदेव चव्हाण, सुमन पुजारी यांच्यासह स्वागताध्यक्ष व्ही दी धनवटे, ज्योती नटराजन, दत्ता निकम, अरुण म्हस्के, सखाराम दुर्गुडे, जी एच वाघ, विजय दराडे उपस्थित होते. नाशिक सिटी न्यूजसाठी प्रतिनिधी रोहन दानी, नाशिक.